दोस्तों, एक डिबेट हमेशा ही रहती है, फिटनेस के लिए वेट ट्रेनिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या कार्डियो। देखो, अगर आप एथलीट हैं तो आपको पता ही, एथलीट तो वेट ट्रेनिंग पे फोकस ज़्यादा करते हैं। लेकिन जो लोग जनरल फिटनेस करते हैं, वेट मैनेजमेंट जिनका टारगेट है, या फैट लॉस टारगेट है, या ओवरऑल फिटनेस को मेंटेन करना टारगेट है, तो वेट ट्रेनिंग, जब एक बार आप जिम में आ गए, वेट ट्रेनिंग से बढ़ के कोई दूसरा तरीका नहीं फिटनेस का। कार्डियो आपके मेटाबॉलिज्म को अगले 8 घंटे तक एलिवेट रखता है, लेकिन आपने अगर अच्छी इंटेंस वेट ट्रेनिंग करी है तो वो अगले 2 दिन तक, 48 आवर तक, आपके मेटाबॉलिक रेट को हाई रखती है। मतलब आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट होता है, जो रेस्ट के टाइम पे जो बॉडी कैलोरीज बर्न करती है, वो अगले 48 आवर तक आपका हाई रहता है। तो आपकी बॉडी पे फैट कम डिपॉजिट हो, इसके लिए वेट ट्रेनिंग बेस्ट तरीका है। हाँ, कार्डियो भी करें, आपकी हार्ट की कंडीशनिंग के लिए कार्डियो बेस्ट है, लेकिन वेट ट्रेनिंग को प्रायोरिटी दें। ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करें और साथ में थोड़ा कार्डियो करेंगे तो जो आप फिटनेस चाहते हैं वो आप जल्दी अचीव कर पाएंगे। और डाइट इसका एक पार्ट है, उसको आपको कंबाइन करना ही पड़ेगा। थैंक यू।